So friends, let's start exercise 4.3, and this exercise is based on the concept of angles. So हमने जो है angles का एक video upload किया था, जहाँ पर हमने simplest ways में real life examples के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि angles जो हैं क्या होते हैं, angles के terms जो हैं define करे जाते हैं, वो आप please हमारे video में देखिए, जैसे कि होते हैं vertex, vertex क्या होता है, arms of the angles क्या होते हैं, interior angles and exterior angles, ये सब टर्म्स जो हैं हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको डिफाइन करने की कोशिश की है। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है उन वीडियोस में और इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया, तो हम जो है आपको और नए कॉन्सेप्ट्स को सिंपलेस्ट वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट सेज नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। So, angle बताना है इस given figure में। So, ये एक figure है जो है एक polygon, यानी कि एक polygon जिसके चार sides हैं, उसे कहते हैं हम quadrilateral। So, एक quadrilateral है A, B, C, D और इसके हमें angles बताने हैं। So, angles क्या होते हैं? Vertex से जब दो sides जो हैं, vertex से जब ये जो दो arms निकल रहे हैं, इसके यहाँ से निकल रहे हैं, इनके बीच में ये एक एंगल बनता है। सो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एज एंगल ए, और यहाँ से हमें क्या करना है, ए को बीच में रखना है और इन पॉइंट्स को साइड में लाना है, जैसे कि डी ए बी। सो मैं कह सकती हूँ एंगल डी ए बी। सो एंगल ए बी बोल सकती हूँ सिर्फ वर्टेक्स पे जो पॉइंट है उसको लेकर, और या फिर स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्ट मिडल में आना चाहिए वर्टेक्स और इसका एंड, और मैं एंगल बी ए डी बी बोल सकते हैं, ठीक है। सो एक हो गया एंगल ए, वैसे ही हो गया एंगल बी। सो एंगल बी हो गया एक। सो बी में क्या हुआ, वर्टेक्स को मैंने, वर्टेक्स पे जो पॉइंट है उसको एक नाम दे दिया एंगल बी, क्योंकि ये ए और सी के बीच में है एंगल बी। अब मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए बी सी, और यहाँ से लाते हुए एंगल सी बी ए, ठीक है। सो नाउ विल डू दिस पॉइंट, अब इस पे देखते हैं कौन सा एंगल बन रहा है। दिस इज एंगल सी, पॉइंट एंगल सी। सो एंगल सी बी एक पॉइंट जो है, इस पे हम एंगल बना सकते हैं इन पॉइंट्स पे। सो जो जो पॉइंट्स होंगे वहां सर एंगल्स बनेंगे, ठीक है। सो एंगल सी से, एंगल सी को हम और भी लिख सकते हैं तरीके से, एंगल सी को हम ऑल्टरनेटिवली लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। सो बी सी और डी, बी सी और डी। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेंटर में सी पॉइंट आएगा, और अगर मैं इधर से जाऊंगी इस तरफ तो डी सी बी, डी सी एंड बी। नाउ अब करते हैं, नाउ इट्स द टर्न फॉर पॉइंट डी। सो और सी डी ए और ए डी सी, या तो इधर से इधर जाइए या फिर इधर से इधर आइए। सो हमने सी डी ए कर लिया, अब हम करेंगे ए डी सी, एंगल ए डी सी। सो जो भी वर्टिसेस हैं ये जो हैं यहाँ पर सेंटर में आएंगे, एंगल बी का बी सेंटर में आएगा, बाकी साइड, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आसपास आएंगे। सी में, सी सेंटर में है यहाँ पे, एंगल डी में, यहाँ पे सी डी ए में डी में सेंटर पे है, ए डी सी में भी सेंटर में डी है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1।